कल मैंने लास्ट क्लास में वो डीएनए का वो बताया था तुम लोगों को न्यूक्लियोटाइड के बारे में। चलो एक क्वेश्चन बताओ पहले। हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड विल हैव मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट। ऑप्शन दे रहा हूं देखो, एएमपी, डीएएमपी, सीएमपी एंड डीसीएमपी। कैसे बताएंगे बताओ इसका आंसर क्या होगा? कौन से न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम होगा? जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। AMP, C, M होगा, ओके, B, DEM। अच्छा देखो एक चीज तो पता है तुम्हें कि A और जो G होता है इसमें नाइन एटम होते हैं, नाइन एटम रिंग होते हैं ये, और जो सी यू टी होता है इसमें सिक्स एटम रिंग होता है। तो ये तो कंफर्म है इसमें कि ये और ये होगा नहीं, आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा। और अभी जानते हो कि डी का मतलब क्या होता है, डी ऑक्सी कहते हैं, डी ऑक्सी होता ना, इसमें वन ऑक्सीजन क्या होता है इसमें लेस होता है इसके रिस्पेक्ट में, तो आंसर क्या होगा इसका, ए हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? तो इसमें आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, हमें इतना पता है कि ए और डी में नाइन एटम रिंग होता है और जो सी यू टी होता है इसमें सिक्स एटम रिंग होता है, तो नाइन तो हमेशा ज्यादा होगा। अब नाइन में देखो मैंने क्या कहा, बिल्कुल सही बात है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था कि डैम अगर होगा तो उसमें एक ऑक्सीजन, क्योंकि डीऑक्सी शुगर होता है उसके अंदर। समझ में आ गया सबको ये? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो ठीक। हाँ देखो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाता, जब मैं ऑप्शन में देता आपको क्या बताओ, एम्प डैम, जीएमपी और डीजीएमपी। अगर ये ऑप्शन में दे देता मैं तो ये फिर क्वेश्चन आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, फिर आपको पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन होगा आपका प्यूरीन से और दो होगा पैरामिडीन वाले पार्ट से, ठीक है? चलिए याद रखिएगा इसको, मिटा दो इसको अब। चल देखो हम आपको स्ट्रक्चर डाई न्यूक्लियोटाइड, देखिए एक डाई न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, फिर बताऊंगा कि पॉली न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। देखिए देखो मैं बता रहा हूं डाई न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। यहां देखो जैसे मान लो हमने एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाया, देखिए यहां पर हमने लगा दिया ए, यहां लगा दिया एच, ये एच, ये ओ एच, ये एच, ये ओ एच,
और देखो यहाँ पे लगा हुआ है ये एच, और ऐसे देखिए ये है सी एच टू ओ, पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और ओ एच। देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड है ना, ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, ये तो मैंने बताया था आपको पहले, ठीक है। और इसका नंबर कर लो, देखो ये कार्बन नंबर वन है यहाँ, वन टू थ्री फोर और फाइव कार्बन है। अब इसके नीचे एक और स्ट्रक्चर बताइए आप, मैं दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना दूंगा, स्ट्रक्चर देखो इसका। यहाँ पर ए है, ये एच है, ये एच ओ एच एच ओ एच, और यहाँ देखो ऐसे, यहाँ पे ऐसे लिखो, ये एच लिखा है ऐसे देखो, और देखो सी एच टू ओ पी डबल वन ओ ओ एच और ओ एच। देखिए ये दो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड है, देखो यार इसका भी नंबर कर लीजिए आप, वन टू थ्री फोर और फाइव कार्बन देखो, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, जैसा आपको पता है कि अब एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, देखो यहां से ये पूरा का पूरा जो OH है और इसके H के साथ देखिए यहाँ क्या होगा बताओ, रिलीज ऑफ H2O। यदि H2O यहां से बाहर आ जाएगा तो देखो जो स्ट्रक्चर बनेगा देखो इस तरह का होगा, देखिए यहाँ देखिए CS2 O beta one bond O OH और OH, यहाँ पे ऐसे लिख दिया देखो, ऑक्सीजन HOH HOH, ये तो यहां से देखो निकल गया। यहां पर अब बचेगा क्या, देखो ये ऑक्सीजन आएगा यहां लिखो आप A, यहां लिख दो H, यहां पर आप कुछ लिख सकते हैं, मैंने सी लिख दिया, सी लिख दिया। और देखो नीचे क्या होगा, यहां पर पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, फिर आएगा ओ, फिर आएगा देखो सी एस टू, और देखो ऐसे यहां पर हाइड्रोजन आएगा, देखो ऐसे ये ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ पे लिख दिया सी, ये एच, यहाँ पे एच ओ एच एच और ओ एच, यहाँ पे नंबर कर लीजिए आप, वन टू थ्री फोर और फाइव का। समझ में आ रहा है, ये भी देखो लिंकेज बनता है यहाँ पर, इस पूरे लिंकेज को क्या बोलते हैं, देखो ये जो पूरा लिंकेज बन रहा है देखो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, इस लिंकेज का नाम क्या बता सकते हैं, फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज कहते हैं। देखो दिस लिंकेज इज कॉल्ड फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज। या जी इसको बैकबोन ऑफ डीएनए कहा जाता है, मतलब देखो इसमें आप ये किसके बीच बन रहा है, ये फिफ्थ कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच बन रहा है, देखो तो जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनता है इसको पीडीएल कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ये थर्ड
फिफ्थ के बीच में बनता है या फिफ्थ थर्ड के बीच में बनता है। जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनेगा वो किस किस कार्बन के बीच में बनता है बताओ, थर्ड फिफ्थ या फिफ्थ थर्ड भी होता है वो बताओ कैसे होता है। और देखो ये जो तीसरा वाला पार्ट भी ये भी खाली है, ये फिर एक नए न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जाएगा। हमेशा देखो जो थर्ड वाला पार्ट वो फ्री है ना, नीचे वाले का थर्ड तो फ्री है, वो थर्ड फिर एक नए न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जाएगा देखो, और वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ट्राई न्यूक्लियोटाइड, फिर ट्राई से टेट्रा बन जाएगा, टेट्रा से पेंटा बन जाएगा, ऐसे वो बढ़ता चला जाएगा ना। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा लिंकेज बना बताओ, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो लिंकेज बनता है उसे क्या बोलते हैं, उसे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहा जाता है, जिसको बैकबोन ऑफ डीएनए कहते हैं। यस यू आर राइट, सी मतलब साइटोसिन, यस यू आर राइट, सी मतलब साइटोसिन है यहाँ पर, ये मतलब एडेनिन है यहाँ पर, ठीक है। जैसे देखो इस एक का नाम क्या है, इसका पूरा नाम क्या होता है, पहले एक का नाम है देखो उसे कहते हैं एएमपी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट कहते हैं, दूसरे का नाम क्या होता है सीएमपी कहते हैं, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट कहते हैं, और दोनों को हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया, इसे कहते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, जिसको बैकबोन ऑफ डीएनए कहा जाता है। अभी देखो कैसे और भी कैसे बनेगा स्ट्रक्चर यहां पर, तो डाइन्यूक्लियोटाइड कैसे बना समझ में आ गया। हाँ जी बच्चों, डाइन्यूक्लियोटाइड कैसे बना समझ में आ गया बताओ, यस नो, ठीक है। अब देखो अब मैं बता रहा हूं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, वो देखिए मैं बता रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मैं आपको बता रहा हूं डीएनए का स्ट्रक्चर वो कैसे बनेगा, देखिए आप तो इसको मिटा दो पहले यहां पर। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, देखो अगर आप जानते हैं यहाँ पे एक जो लिखा होता है फाइव एंड लिखा होता है फाइव डैश कहते हैं और दूसरा थ्री डैश होता है, ऐसा एक थ्री डैश होता है और एक फाइव डैश लिखा होता है, तो डीएनए जो होता है मिडल ऑफ क्या लिखते हैं, मिडल ऑफ टू एंटी पैरेलल स्ट्रेंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, अरे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बता दिया, बैकबोन ऑफ डीएनए फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होता है उसी को बैकबोन कहते हैं डीएनए का। अब यहां देखो जैसे मान लो यहां पे लिखा हुआ है ऐसे ए, तो देखेंगे यहां लिखा होता है टी दूसरे साइड से, यहां लिखा मिलेगा जी, यहां लिखा मिलेगा आपको सी, ट्रिपल बॉन्ड ऐसा होता है, यहां डबल बॉन्ड होता है, फिर मिलेगा टी यहां तो यहां पे आएगा डबल बॉन्ड ए, यहाँ पे होगा ए डबल बॉन्ड टी लिखा होता होगा ऐसे, फिर देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ए तो यहाँ लिखा मिलेगा टी डबल बॉन्ड, यहाँ होगा जी यहाँ लिखा होगा सी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ लिखा होगा सी ट्रिपल बॉन्ड जी लिखा होगा ऐसे, यहाँ लिखा होगा जी तो फिर ट्रिपल बॉन्ड सी आ जाएगा, यहाँ आएगा टी डबल बॉन्ड ए आ जाएगा,
ऐसे देखो टी डबल बॉन्ड ए डबल बॉन्ड टी डबल बॉन्ड ए, ये कोई फिक्स नहीं होता पैटर्न, ये कुछ भी रैंडम भी आ सकता है। फिर यहाँ देखो जी है, यहाँ डबल बॉन्ड सी आ गया, यहाँ सी है डबल बॉन्ड ऐसे जी आ जाए। तो जो आप देखते हो ए, ए यहाँ क्या होता है, ए यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड है, कोई भी ए है, जी है, सी है, ई है, ये सब क्या होता है, ये एक न्यूक्लियोटाइड का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है भाई, बता रहा हूं कुछ भी, हाँ कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको जी के साथ में सी लिखना होगा और टी के सामने ए लिखना होगा। अगर आपने एक तरफ सी लिखा है तो दूसरी तरफ जी आएगा, ये फिक्स होता है। हो सकता है कि पूरा का पूरा ए टी ए टी ए टी ए टी हो जाए, तो ये एक रैंडम पैटर्न है, ये जीन्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये रैंडमली अरेंज होता है सब कुछ, बट ए के सामने टी आता है और सी के सामने जी आता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो जैसे अगर मान लो मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा मैग्नीफाई कर रहा हूं, यहां से यहां तक का स्ट्रक्चर जो बताया मैंने आपको, इसी को मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर रहा हूं, देखिए यहां से लेके यहां तक कैसे लिखा जाता है, वो समझो यहां। जैसे मान लो यहां लिखा हमने ए और यहां पे हमने लगा दिया एक फॉस्फेट, सिंपली मैं फॉस्फेट लगा रहा हूं, यहां पे लगा दिया हमने ए, और आपको पता है यहां पर ओ फिर ई फिर ओ और फिर देखो ऐसे ऐसे लगा दीजिए आप, देखो मैं सब कुछ नहीं लिख रहा, केवल आपको मैं वो लिख रहा हूं जरूरत है। देखो ए के बाद यहां क्या लगा हुआ, जी लगा हुआ है, तो मैं लगा दिया जी, देखो ऐसे है ना। फिर देखो यहां कैसे ओ टी ओ, और यहां क्या लगा हुआ, यहाँ लगा हुआ देखो सी लगा हुआ, ठीक है। वैसे आप अब देखो ये सब क्या करो, ये सब फॉस्फो डायस्टर लिंकेज है, इस लिंकेज को फॉस्फो एस्टर लिंकेज कहते हैं, इसको फॉस्फो पहले वाले को फॉस्फो एस्टर कहते हैं, बाकी सब फॉस्फो डायस्टर होते हैं, है ना। और आप नंबर करना जानते हैं तो एक दो तीन चार और यहां पे पांच कार्बन होता है, वैसे देखो एक दो तीन चार यहां पे पांच कार्बन होता है, एक दो तीन चार और यहां पे पांच कार्बन होता है। तो देखो मैंने एक टी लिख दिया, ए टी सी लिख दिया, देखो और ये सब फॉस्फोडाइस्टर बीच में लिंकेज बना हुआ है, ओपीओ लिंकेज कहते हैं इसको, ओपीओ लिंकेज। अब मैं आपको दूसरी तरफ का पार्ट बता रहा हूं, ये इधर वाला देखो, यहां देखते हैं बिल्कुल, देखो यहां है अभी तो ये, तो देखो जीन्स छोटे भी होते हैं जीन्स बड़े भी होते हैं, तो छोटे जीन्स में सीक्वेंस छोटा होगा, बड़े जीन्स का सीक्वेंस बड़ा होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बट जीन्स का साइज लिमिटेड होता है ना, इनफिनाइट तो होता नहीं है, ठीक है। अब यहां देखो दूसरी तरफ देख लेंगे, ऑक्सीजन यहां लगा दिया आपने टी, नंबर कर दो वन टू, और यहां पे ये थर्ड कार्बन है, यहां पे फोर्थ कार्बन है, एक और क्यों बना इसके, ऑक्सीजन यहां पर लगा दो सी,
एक दो, और देखो इसका जो यहाँ पे होगा स्ट्रक्चर ऐसे O P O, देखिए ऐसे ये जो फिफ्थ कार्बन इसका होता है यहाँ से, ये इसके थर्ड के साथ अटैक करेगा। एक बार बना लो, यहाँ पे C है तो यहाँ देखो G आएगा, नंबर कर दो 1 2, और देखो यहाँ पे O P O, और देखिए ऐसे ये फिफ्थ कार्बन यहाँ पे आएगा इसका, यहाँ पे फोर्थ कार्बन है इसका। तो देखो आप आओ देखो, यहाँ ये है तो यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे किया, जी है तो ट्रिपल बॉन्ड सी आ गया, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, और सी है जो वापस ट्रिपल बॉन्ड दिया है। तो ये इस साइड का देखो स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ भी ये जो लिंकेज आप देख रहे हो, इस लिंकेज को क्या बोलते हैं, इसे भी फॉस्फोएस्टर लिंकेज कहा जाता है। लेकिन देखो इसमें ये लिंकेज जो होता है पीडीएल, वो 3 और 5 डायरेक्शन में होता है, 3-5 डायरेक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 होता है। लेकिन यहाँ बताओ क्या, यहाँ ये 5 होता है, ये 5-3 डायरेक्शन में है, 5-3 डायरेक्शन में होता है। और देखो ये जो आप देख रहे हो इसको कहते हैं क्या, इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है, डबल बॉन्ड होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसको ट्रिपल बॉन्ड कहा जाता है, और ये डबल बॉन्ड होता है, ए और टी के बीच डबल बॉन्ड आता है, और जी और सी के बीच में क्या होता है, हमेशा ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो देखो ए ई सी था और टी सी टी था, टी सी जी, और एक चीज फिक्स है, देखो इसके टॉप पे हमेशा 3 आता है और इसके बॉटम में हमेशा 5 आता है। और देखो इसके टॉप पे हमेशा क्या आएगा, देखो इसके टॉप पे हमेशा 5 आता है और इसके बॉटम पे हमेशा क्या आएगा, 3 आएगा। तो देखो एक स्ट्रिंग क्या लिखा हमने, 5-3-, देखो अगर ये 5-3 है, 5-3, देखो 5-3, तो दूसरा क्या होगा, 3-5 है, देखो ऊपर 3 आएगा और नीचे 5 आता है। तो एक के हमेशा ऊपर 3 आता है, नीचे 5 आता है, दूसरे के हमेशा ऊपर 5 होगा और नीचे 3 होगा। समझ में आ रहा है? अजय बच्चों समझ में आया चीज? ठीक है, वेरी गुड। और देखो इसको एंटी पैरेलल कहते हैं, दो स्ट्रेन एक दूसरे के एंटी। अब देखो यहां पे कौन कौन से लीकेज है, अगर लीकेज की बात करें तो देखिए ये फॉस्फोडाइस्टर लीकेज है, ये जो लिंकेज आप देख रहे हो ये कौन सा लिंकेज होता है, इसको कहते हैं एनसी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ये, है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है और एक फॉस्फोएस्टर होता है, इसके एंड पे हमेशा देखो फॉस्फोएस्टर यहाँ मिलेगा और इसके एंड पे फॉस्फोएस्टर यहाँ मिलेगा। तो किसी भी डीएनए का अगर देखा जाए तो सभी तरह के डीएनए में फॉस्फोएस्टर लिंकेज तो दो ही होगा ना, एक इस तरफ और एक इस तरफ, बाकी तो फॉस्फोडाइस्टर होता है। याद रखिए इसको, इन डबल स्ट्रैंड डीएनए फॉस्फोएस्टर लिंकेज विल ऑलवेज बी 2। बिल्कुल सही बात है, डबल बॉन्ड भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड ही कहते हैं, ए के साथ डबल बॉन्ड टी आता है
और C के साथ ट्रिपल बॉन्ड G आता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए की स्ट्रेंथ एन की पैटर्न क्यों होता है, व्हाई द स्ट्रेंथ ऑफ, हाँ जी, एन की पैटर्न होता क्यों है? तो देखो एंटी पैरेलल क्यों होता है, बताओ। हाँ जी, देखो एंटी पैरेलल का कारण क्या है कि सुगर मॉलिक्यूल होता है, ये देखो इस सुगर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के अपना नीचे होता है, अगर मान लो ऑक्सीजन ऊपर आ जाएगा तो ये जो बेस है ना चला जाएगा ना, वो लिंक हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा फिर? तो एंटी पैरेलल होने का कारण क्या बताओ, सुगर मॉलिक्यूल जो होते हैं पेंटोज सुगर जो होता है दोनों का रिवर्स ऑरिएंटेशन है, एक में ऑक्सीजन यहां होता है एक में ऑक्सीजन यहां होता है, याद रखिएगा इसको, एंटी पैरेलल स्ट्रेंथ्स ऑफ डीएनए इज ड्यू टू रिवर्स ऑरिएंटेशन ऑफ सुगर मॉलिक्यूल, ये देख लीजिए आप, एंटी पैरेलल स्ट्रेंथ्स ऑफ डीएनए इज ड्यू टू रिवर्स ऑरिएंटेशन ऑफ सुगर मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही बात है, देखो ये हमेशा ऐसे होता है, ये जो होता है जो बेस होता है, बेस हमेशा सुगर के नंबर वन कार्बन से जुड़ता है, यस यू राइट, बेस हमेशा कार्बन के नंबर वन से अटैच होता है, सुगर के नंबर वन कार्बन से, ये फिक्स होता है, ठीक है बच्चों। अब आप देखो कितना भी लंबा बना सकते हैं, ये फ्री है नीचे, तो फिर एक नीचे जुड़ सकते हैं, तो वो हमेशा इस एंड पे क्या आएगा, फाइव आएगा, और इस एंड पे क्या आएगा, थ्री आएगा, दूसरी तरफ बताओ इस एंड पे क्या होगा, थ्री, और इस एंड पे क्या होगा, फाइव आएगा। हाँ जी सही बात है, अगर एंटी पैटर्न नहीं होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही नहीं, और ये देख लेना अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है ना, नए एनसीईआरटी में करेक्शन है, पुरानी एनसीईआरटी में कलर डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, आप चेक कर लेना है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपके आपके नए एनसीईआरटी में करेक्शन शायद हो गया है, पुरानी एनसीईआरटी के पास है तो उसमें डायग्राम थोड़ा गलत बना हुआ है, वो चेक कर लेना। बेटा ऑफलाइन क्लासेस जब सिस्टम अलाउ करेगा तभी तो होगा, होपफुली दिवाली के बाद स्टार्ट हो जाए ऑफलाइन क्लास। ठीक है, मे बी बहुत चांसेस हैं, आप देखो क्या होता है। चलिए ये समझ में आ गया सब स्ट्रक्चर ये वाला। बेटा मैं पिछले 3 साल से आ रहा हूं, आपको बता दिया मैं पिछले 3 साल से अपडाउन कर रहा हूँ करनाल और दिल्ली के बीच, हर वीक में 2 दिन वहीं रहता हूँ, 2 दिन बॉटनी वाले सर रहते हैं, 2 दिन मैं रहता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहां देखो, अब देखो यहां पर जैसे ये मान लो एक डीएनए का स्ट्रक्चर है, अब देखो यहां से कहते हैं ये पूरा जो ये पार्ट यहां से देख रहे हैं इस पूरे पार्ट को, देखो क्योंकि ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, राइट हैंड स्ट्रक्चर कहते हैं, ये पूरा जो यहां से आ रहा है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट,
इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसे कहते हैं वन टर्न ऑफ डी रिंग आयन। इसे कहते हैं इसको वन टर्न ऑफ डीएनए कहा जाता है। देखो ये पूरा स्ट्रक्चर है। हाँ जी, एक कंप्लीट टर्न कहते हैं। देखो इसमें कितना है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, एक कंप्लीट टर्न में एन बेस पेयर्स हैं। और ऐसे डीएनए को बी डीएनए कहा जाता है। डीएनए की टाइप है, इसको बी डीएनए कहते हैं। देखिए इसको एक साइंटिस्ट का नाम आता है वॉटसन एंड क्रिक। ये क्या पहले कर बिल्कुल सही बात है। देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। अगर वो बी डीएनए होगा तो बी एक टाइप ऑफ डीएनए होता है। समझ में आ रहा है? अब देखो इधर बेटा, उसको इधर देख लिया ना आप लोगों ने। और याद रखना कि यहां से लेके यहां तक ये पूरा जो टर्न होता है इसका लेंथ, इसको वन टर्न भी कहते हैं, इसको वन हेलिक्स भी कहा जाता है। इसका लेंथ होता है 34 एंगस्ट्रॉम, लेंथ ऑफ वन टर्न। इसका नाम है मतलब डीएनए के टाइप्स होते हैं, ये मोस्ट कॉमन डीएनए होता है। इसे कहते हैं मोस्ट कॉमन डीएनए, इसको कहते हैं बी डीएनए। और ये एक राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। तो देखो यहां से लेके यहां तक इसको कहते हैं वन टर्न और इसे वन हेलिक्स कहा जाता है। अभी मैं आपको बी डीएनए के बारे में बता रहा हूं, इसे बी डीएनए कहते हैं। अभी जो अरे पूरा का पूरा बी डीएनए ही है, इसमें चार बना है, पांच होता है। मैं कौन बना देता हूं, टी डबल बॉन्ड ए लिख दिया सर। एक डीएनए के अंदर वो मिक्सअप जो डीएनए नहीं होता, पहले क्या बता रहा हूं। तो यहां से लेके यहां तक ये वन टर्न है जिसका लेंथ कितना बताओ, 34 एंगस्ट्रॉम है। तो देखो तो लिखा जाता है डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना होगा बताओ, 34/10 हो जाएगा और ये जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। सही है। और फिर देखो एंगल बिटवीन टू बेस पेयर, क्योंकि यहां से यहां तक पूरा एंगल 360 का होता है, तो एंगल कितना हो जाएगा 360 degree by 10 एंड दैट शुड बी 36 degree कहता है। सही है। एंगल बिटवीन टू बेस पेयर कितना होगा, 36 degree हो जाएगा। और देखो इसका जो डायमीटर है, ये जो पूरा का पूरा एंगल डायमीटर होता है, ये डायमीटर इसका होता है
इसे कहते हैं डायमीटर ऑफ हेलिक्स, इसे डायमीटर ऑफ हेलिक्स कहते हैं, और ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और देखो बी डीएनए का जो स्ट्रक्चर बताया था, एक साइंटिस्ट का नाम आता है वॉटसन एंड क्रिक, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वॉटसन एंड क्रिक ये साइंटिस्ट का नाम है, वो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बी डीएनए। वैसे देखो डीएनए के टाइप होते हैं, डी टाइप भी होता है, सी टाइप भी होता है, बी टाइप भी होता है, ए टाइप भी होता है, जेड टाइप भी होता है, अल्फाबेट बता रहे हैं, इसको टाइप्स ऑफ डीएनए कहा जाता है, डी टाइप, सी टाइप, बी टाइप, है ना, ए टाइप, जेड टाइप, अलग अलग अल्फाबेट्स के नाम पे, मतलब अल्फाबेट्स के नाम से रिकॉग्नाइज करता है इसको। इसमें सबसे कॉमन डीएनए बी डीएनए होता है, जिसके स्ट्रक्चर को बताया था किसने बताओ, वॉटसन एंड क्रिक ने। और देखो डिफरेंस क्या होता है, आप समझ में आ जाएगा आपको, 8, 9, 10, 11 and 12। देखो डीसी बाज हो गया ना, डीसी बाज, हाँ जी, इसमें जेट को छोड़ दिया, जेट जो होता है ये लेफ्ट हैंडेड होता है, लेफ्ट हैंडेड, ये लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है, बाकी राइट हैंड होता है। डीसी बाज या डीसी बाज 8, 10, 11, 12, यार 8 बताओ क्या है, ये में एक लिखा होगा, बताओ हाँ जी, ये नंबर ऑफ बेस पेयर है, बिल्कुल सही कह रहा है। हो जाएगा ठीक, हो गया। इसमें जो डी होता है, डी में एक बेस पेयर होते हैं 1 टर्न, सी में कितना होगा 9, बी में कितना होगा 10, ए में कितना होगा 11, और जेड में कितना होगा बताओ 12 होता है। इसमें से डीसी बी ए जो होता है, देखो वेट वेट जेड डीएनए को जिगजैग डीएनए कहा जाता है, जेड डीएनए को जिगजैग डीएनए कहा जाता है, जिगजैग, जिगजैग डीएनए कहते हैं, जिगजैग डीएनए कहा जाता है। ये रेयर डीएनए होता है, लेफ्ट हैंडेड वाला रेयर डीएनए, ये रेयर टाइप का डीएनए होता है, मोस्ट कॉमन को बी कहा जाता है। देखो मोस्ट कॉमन डीएनए को क्या कहते हैं, उसे बी डीएनए कहा जाता है, और सबसे रेयर टाइप को जेड डीएनए कहा जाता है। और इन सबका, इन सब का डिफरेंस किसमें आता है बताओ, जेड वाला रेयर डीएनए, रेयर डीएनए, ये कॉमन डीएनए नहीं होता, जिसमें 12 बेस पेयर होते हैं, सब तरह के डीएनए यूकेरियोट्स में मिलते हैं, आप में सब कुछ होता है, इसका मूल पार्ट तो नहीं है, बट सारे यूकेरियोट्स में ये अवेलेबल होते हैं। सबसे कॉमन बी डीएनए कहा जाता है, डीएनए हर आदमी का डिफरेंट होता है, कोई भी दो जेनेटिकली डिफरेंट अगर इंडिविजुअल्स है तो उसका डीएनए अलग होगा। सिबलिंग्स जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, याद रखना, केवल जो मैं क्या बोल रहा हूँ, आइडेंटिकल ट्विन्स होता है ना, आइडेंटिकल ट्विन्स के डीएनए सिमिलर होता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं, फादर और सन का डीएनए सेम नहीं होता। केवल आइडेंटिकल ट्विन्स के डीएनए आइडेंटिकल होता है, बाकी सबका अलग होता है।